दोस्तों ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के अलग होने की खबरें सोशल मीडिया पे इस समय चारों तरफ आग की तरह फैली हुई है। और इसी बीच हमारे बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी ने एक ऐसा पोस्ट साझा किया है जिसे देखकर फैंस यहाँ पर हैरान हो गए हैं। वो उस पोस्ट में अपनी बहू ऐश्वर्या राय को तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और उसपे फैंस का क्या रिएक्शन आया है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पेरिस फैशन वीक में ऐश्वर्या और नव्या दोनों ही ना वॉक करती हुई नजर आई थीं, जहां नव्या को सपोर्ट करने के लिए उनकी माँ श्वेता और नानी जया बच्चन साथ दिखे, ऐश्वर्या के साथ अकेले उनकी बेटी आराध्या दिखी थी। यहाँ तक कि श्वेता बच्चन नंदा और जया बच्चन यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन या आराध्या बच्चन से बात करते हुए नजर नहीं आई थी। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच हमारे बिग बी ने एक ऐसा पोस्ट साझा कर दिया है जिसे सभी लोग देखकर हैरान हो गए हैं। उस पोस्ट में उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर वो चश्मा पकड़े हुए एक ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो शेयर किए हुए है और उन्होंने कैप्शन में लिखा है 4854 एवरीथिंग सेड एवरीथिंग डन सो डू द डन एंड डन द डू। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इसमें क्या कहा है मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है सब कुछ कह दिया, सब कुछ किया गया, तो जो करना था किया, जो किया तो किया। जी हाँ, जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट यहाँ पर शेयर किया उस पे यूजर्स का क्या कहना था मैं आपको बता दूं। एक यूजर का कहना था सर जी कहीं ये बात बहुरानी के लिए तो नहीं है। दूसरे ने यहाँ पर कहा शायद बीबी और बेटी को समझाते समझाते थक गए हैं बिग बी। वहीं पर तीसरे ने कहा जब परिवार में टेंशन हो तो आदमी की हालत ऐसी ही हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और फिलहाल इन विवादों के बीच में अभी तक बच्चन परिवार का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। और हाल ही में द अर्चिस जो मूवी यहाँ पर रिलीज हुई है जिसमें अगस्त्य नंदा नजर आए हैं जो श्वेता नंदा के बेटे हैं, और ऐश्वर्या राय बच्चन ने उनकी काफी थोड़ी यहाँ पे आलोचना भी की थी उनकी एक्टिंग को लेकर। लेकिन वो भले ही द अर्चिस मूवी के स्क्रीनिंग पर साथ में नजर आए थे लेकिन उनके बीच में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं गाइस नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।